नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। जज उत्तम आनंद हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार, कहा बिना दिखाए कैसे फाइल की चार्ज से। झारखंड के हर पंचायत में अब मिलेगी सस्ती दवा, 5000 से ज्यादा आबादी वाले पंचायत में सरकार खोलेगी 2 दवा दुकान। रांची पुलिस ने 4 बाइक चोर को पकड़ा, 7 बाइक जब्त, चोरी कर पीएलएफआई को बेच देते थे अपराधी। दिन पास और झारखंड सरकार को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, दवा की खरीदारी टेंडर में अनियमितता को लेकर 18 नवंबर तक मांगा जवाब। जैक ने जारी किया 10वीं और 12वीं की फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम डेट, 1 दिसंबर से होगी परीक्षा। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी में डूबे 5 छात्र, 3 को बचाया गया, 2 की तलाश जारी। सरायकेला पुलिस लाइन में बंदूक साफ करने के दौरान सिपाही के सीने में लगी गोली, टीएमएच रेफर। पाकुड़ पुलिस ने अवैध खदानों में मारा छापा, भारी मात्रा में मिला विस्फोटक। धनबाद में डायरिया से 2 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगाया कैंप। लोहरदगा के दुबांग पावर ग्रिड से 50 लाख से ऊपर का बिजली उपकरण ले उड़े डकैत, 10 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। धनबाद में अमरूद तोड़ने के दौरान गिरा बच्चा, 3 सरिया शरीर के आर पार, हालत गंभीर। पलामू पुलिस के हत्थे चढ़ा 4 लूटकांड का आरोपी, बिहार से आकर देता था घटना को अंजाम। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कब होगी अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति। चाईबासा पुलिस लाइन में तैनात हवलदार की रिम्स में हार्ट अटैक से मौत, कैदी को इलाज के लिए लेकर आए थे रांची। क्रूज ड्रग्स केस में अनन्या से एनसीबी ऑफिस में पूछताछ, चैट में हुए कई खुलासे। मुंबई में 60 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 19वें फ्लोर से गिरकर 1 की मौत। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, 29 से 31 अक्टूबर तक रहेंगे इटली दौरे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिमुलेटर के जरिए तेजस में भरी उड़ान, अनुभव को बताया अद्भुत। जम्मू कश्मीर से हार्डकोर आतंकियों की दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्टिंग शुरू, 26 कुख्यात को भेजा गया आगरा। रूस में बारूद फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, 16 लोगों की मौत। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।